नमस्कार दोस्तों, यूनिक ऑफ लर्निंग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th की सिलेबस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन का पता होगा, यहाँ 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगी और टोटल इसका जो अंक होगा ये 100 मार्क का होगा। तो इसमें जो पास मार्क होता है वो 30 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप देखिए 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको किन्हीं 50 के आंसर देने हैं, ठीक है। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क का होगा। कुल मिला के जो कितना का एग्जाम होगा हमारा, ये ऑब्जेक्टिव होगा 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, ओके। एंड फिर देखिए 2 अनसीन पैसेज है यहाँ पे, वो रहेंगे प्रोज से रहेंगे क्वेश्चन, 1 अनसीन पैसेज रहेंगे पोएट्री से रहेंगे। ये 4 प्रश्नों की संख्या 4 होगी और उसमें से आंसर आपको 2 देना है, किसमें, प्रोज वाले या अनसीन पैसेज में से। और फिर आपको जो 1 अनसीन पैसेज होंगे उसमें भी क्वेश्चन होंगे 2, उनमें से आंसर उतनी 1 के देने हैं। फिर पैराग्राफ होगा, क्वेश्चन होंगे 5, किसी एक का आंसर आपको देना है, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, तो फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। टाइम कितने मिलेंगे, 3 घंटे 15 मिनट। चलिए अब बात करते हैं हम अपने नन हिंदी के बारे में, ओके। यहाँ पर ये भी 2-3 घंटे 15 मिनट के एग्जाम होंगे यहाँ, और इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट के एग्जाम होंगे। 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है, ओके। इसमें भी आपको क्या है, क्वेश्चन की संख्या जो होगी ऑब्जेक्टिव 60 होगी। कितना होगी ऑब्जेक्टिव हमारा, यहाँ पे 60 ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें से कितनी 50 के आंसर देने हैं आपको। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स के होंगे, तो 50 अंक के ऑब्जेक्टिव होंगे यहाँ पे। फिर आपको गद्यांश की बात करते हैं, तो प्रश्न संख्या 4 होगी, उत्तर आपको 2 के देने हैं यहाँ पे, आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, ओके। निबंध लेखन से रहेगा क्वेश्चन, पत्र लेखन, संवाद, ये सारे रहेंगे यहाँ पे, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। फिर टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। 3 घंटे 15 मिनट के टाइम मिलेगा आपको, जिसमें पास मार्क होगा 30 मार्क, ओके। अब बात करते हैं हम लोग, जो बच्चे यहाँ पे संस्कृत भी हो सकते हैं, किसी बच्चे का, किसी बच्चे का मैथिली भी होता है, तो यहाँ पे मैथिली की बात करते हैं। ये भी अगर संस्कृत होगी वो भी 100 मार्क्स की होगी, उसमें भी आपको 50 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट के टाइम मिलेगी। इसमें पास मार्क्स होगा आपको 30 मार्क्स का, ओके। इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 60 होगी, आपके लिए 50 का आंसर देना। एवरी क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क कैरी करता है, तो टोटल कितना होगा, 50 मार्क के होंगे, ओके। यहाँ पे इसमें भी देख सकते हैं आप, निबंध होगा, आवेदन पत्र लेखन, ओके, संक्षेपण, पाठ्यपुस्तक, लघु उत्तरीय प्रश्न, ध्रुवोत्तरीय प्रश्न, सारे होंगे यहाँ पे 100 मार्क। ये भी पूरे टोटल एग्जाम होंगे, आपको 30 मार्क्स लाने हैं। टोटल एग्जाम टाइम होगा आपको 3 घंटे 15 मिनट के टाइम। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है इसी में, मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे इसका भी पूरा टोटल मार्क्स होगा 100 मार्क्स का, ओके। यहाँ पे 30 अंक पास के होने के लिए चाहिए, 3 घंटे 15 मिनट के आपको टाइम मिलेगी। तो इसका जो पैटर्न है आप देखिए, यहाँ पे 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा कि नहीं, 50 का आपको आंसर देना, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, 50 मार्क के ऑब्जेक्टिव होंगे। फिर शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होंगे 27 क्वेश्चन होंगे, आपको उसमें से 15 क्वेश्चन का आंसर देना आपको, ओके। 15 क्वेश्चन का आंसर देना, प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे 2 अंक कैरी करेंगे, तो यहाँ पर टोटल कितने होंगे, 30 अंक के। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन 8 क्वेश्चन होगा, आपके लिए 4 का आंसर देना आपको, सॉल्व करना है। अब क्या हो जाएगा, इसमें 5 अंक कैरी करेगा एक क्वेश्चन और टोटल 20 मार्क्स, तो टोटल क्या होगा, 100 मार्क्स। टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट की, पास मार्क है 30। साइंस की बात करें तो इसमें आपको 2 घंटे 45 मिनट की टाइम मिलेगी, क्यों, क्योंकि इसमें आपको कुछ नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं, स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल का वो किया जाता है, इसीलिए आपको 2 घंटे 45 मिनट का ही टाइम मिलेगा, ओके। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो होगा क्वेश्चन की संख्या 48 होगी और इसमें से आंसर के लिए आपको 40 का देना है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, टोटल होगा क्या 40, ओके। फिर बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न से क्वेश्चन आएंगे, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान। फिर दीर्घ उत्तरीय में भी देख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन रहेंगे, ओके। टोटल मार्क ये कैरी करेगा 80 और आपको 20 मार्क्स स्कूल की तरफ से विद्यालय एवं स्वयं परीक्षा जो जांच लेती है वो प्रैक्टिकल के नाम पे, उससे आपको मिलेंगे। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स के ये भी एग्जाम होंगे स्कूल के लगा के। वैसे आपको पेपर देना एग्जाम सेंटर पे 80 मार्क का, ओके।
अब बात करते हैं सामाजिक सोशल विज्ञान की, तो इसमें भी वही है, आपको 48 इसमें भी आपको मिलेंगे, 2 घंटे 45 मिनट की टाइम मिलेगी यहाँ पर आपको। और इसमें देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इसमें भी कितना होगा, 48, और आपको 40 का आंसर देना है प्रत्येक क्वेश्चन, 1 मार्क ऐड करके अंक्स हो गया 40 नंबर के। ओके ऑब्जेक्टिव, अब इसमें बात करते हैं, तो इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र रहेंगे। तो टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई 31, आपको कुल आंसर कितना मार्क्स का हो गया, 80 मार्क्स का। ओके फिर आपको यहाँ पे स्कूल की तरफ से 10 मार्क दिए जाएंगे कार्यात्मक सशात्मक के लिए, और फिर आधारित प्रोजेक्ट कार्य के लिए 10 अंक। तो टोटल कुल अंक एग्जाम सेंटर पर आपका 80 मार्क का होगा और 20 मार्क का स्कूल की तरफ से आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।